बड़वा नगर के समीप रामाणा पंचायत के अंतर्गत मनिहार में गंदे पानी से निकासी नहीं होने पर रोड पर गंदा पानी एकत्रित होकर फैल गया है, जिससे वहां के रहवासियों को निकलने में और रोड के समीप बने मंदिर में पूजा अर्चना के लिए वहां तक जाने में भी परेशानी होती है। मामले की जानकारी से जब मीडियाकर्मी बड़वा ने जनपद पंचायत को अवगत कराया तो उन्होंने तत्काल पंचायत मंत्री को नोटिस जारी कर 3 दिन में समस्या का निराकरण करने के लिए कहा है। बड़वा से रफी कुंडा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हेमराज पाल। अच्छा, आपके गांव में क्या समस्या है अभी? समस्या ये है कि गांव में जो खरंजा पुराना हुआ है वो दब गया नीचे और उसके ऊपर से पानी जाता, नाली नहीं बनी है और वही पानी नहीं रुकता है कि हवा से कीचड़ में धूल मट्टी उड़ती, कीचड़ होता है और बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं उसमें, मच्छर होते हैं और मच्छर के तो पूछो मत और कीड़े मकोड़े की तो मतलब शाम टाइम अगर शाम को आपको देखो तो हमारे घर में ऐसे चलते छमके वाले कीड़े। और अभी ये PW ने रोड बना दी है और वो ऊंचा हो गया, थोड़ा पानी और रुक गया है और ज्यादा पानी रुक रहा है, पहले तो रुकता ही था और ज्यादा रुक रहा है। अभी तो सूखे में आपने वीडियो लिया है, इसको बारिश में ले लेना, आपका भी दिमाग काम नहीं करेगा। और वही हम रहते हैं और वही बजरंग बली बाबा का मंदिर है और सुबह शाम पूजा पाठ जो भी करने आते थे बिल्कुल पानी में से निकल के जाते हैं। ठीक है, हमारे द्वारा सर अभी क्या है कि वो थोड़ा साफ सफाई का काम चल रहा है और वो गड्ढा जो है गांव में वो एक ही जगह है तो उसमें भी अभी मुरुम डलवा के उसको भी कंप्लीट करवा के सही करवाएंगे सर। वो जो रास्ते जो खराब है ना वहाँ पे उसका भी सही साइड अभी मतलब काम चल ही रहा है वहाँ पे। तो अभी साफ सफाई का काम अपने पास पंचायत में 3 गाँव है, मनिहार, रमाणा और चिचला। चिचलाव में पहले करवाया था, फिर रमाणा में करवाया और अभी मनिहार में काम चल रहा है तो वहाँ पे थोड़ी समस्या आई रही थी तो और काम वहाँ पे चालू है। और ये अपने कोरोना वायरस के चलते हुए आपकी पंचायत में कुछ पैसे वैसे डले थे मास्क वगैरह के लिए और भोजन के पैकेट के लिए, तो ये अभी तक हो गए क्या आपकी पंचायत? हाँ, वो अपन ने अभी एक बार सैनिटाइजिंग भी करवा दी और दूसरी बार अभी एक गाँव में छिड़काव, दूसरी बार भी छिड़काव हो गया सैनिटाइजर का और साफ सफाई के बाद में दो गांव जो बचे हैं उसमें भी अभी छटवाएंगे। पहले टैंकर से छटवा दिया था और अब वो टंकी वन से छटवाएंगे। अच्छा, पर वो ग्रामवासी तो कह रहे हैं कि हमने बार बार शिकायत करी थी आपको कि वो गंदा पानी के निकासी की जगह नहीं है और मास्क भी नहीं वितरण हुआ अभी तक, ऐसा वो कह रहे हैं। क्या है सर कि ये जैसे मैं तो अभी 7-8 महीने से गया हूँ वहाँ, पूर्व से ही थोड़ा काम कम हुआ है तो थोड़ा वो क्या है कि अभी पेमेंट जो खरंजे फरंजे उनका आया नहीं है, वो जैसे आएगा तो वहाँ पे जितना भी जो समस्या है ना धीरे धीरे वो हल हो जाएगा। और हमने उनसे पूछा था कि आपके ग्राम का सरपंच कौन है तो वहाँ के रहवासी बोल रहे कि हमको तो मालूम ही नहीं कि हमारे यहाँ का सरपंच कौन है। अब वो क्या है सर कि अभी 2 साल से तो बीमारी रहते हैं सरपंच साहब। अच्छा, 2 साल से तो उनकी हालत बिल्कुल अब थोड़ी हल्की फुल्की हुई, अच्छी नहीं, 2 साल से तो एकदम इतनी तबीयत खराब थी कि वो घर से ही निकलते थे, घर से निकलते थे तो अस्पताल और अस्पताल से घर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।